Yes, sir. So Ali bhai, first of all, so good to see you. काफी बेहतरीन गाने दे चुके हो आप इंडस्ट्री को और काफी देने वाले हो होप सो. What do you want to say about किस तरह का अभी तक की जर्नी रही आपकी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग माय इंटरव्यू. बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए. और दूसरा भाई, 2022 वाज इन टचवुड अमेजिंग ईयर. उस 2022 में मैंने साउथ में गाने गाए मोहनलाल सर के लिए, घूम घूम जो कि सुपर हिट हुआ. 2022 में इश्कम इधर से सुपर हिट हुआ और मिर्ज़ापुर 3 आई 2 आई और 3 आने वाली है. 2 में शेखो नाई का रोल किया क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया एज एन एक्टर. एंड अब 2023 में इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है नंदी हुड्डा सर के साथ. फिर ऑनलाइन 24/7 जिसे संजय शर्मा सर डायरेक्ट कर रहे हैं, अमेजिंग वेब सीरीज़ है जो कि गोवा में हम लोग शूट कर रहे हैं अभिमन्यू सर के साथ में. एंड आई एम रियली ग्लैड. अब 2023 में मेरे सारे गाने आ रहे हैं जो कि नए गाने कुछ मैंने बनाए हैं जो कि अभी कमाल करने वाले हैं. वेरी एक्साइटेड. इसकी की बात करें तो काफ़ी हिट सॉन्ग है और 200 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके. कितने एक्सपेक्टेशन थी इस गाने से आपकी? यार देखो, इश्कम की मिक्का पाजी और हमने करा था, बोला था 10 मिलियन तक आएंगे. बिकॉज जो बेसिकली जितने भी गाने इंडो अरबिक में गाए गए हैं जो मैंने पहले गाए हैं, चाहे वो बुरे बुरे हो या तेरे इश्कों से मुझ पर हो, तो ये था कि यार 10 मिलियन 15 मिलियन तक पहुँचेगा ये नहीं पता था कि वायरल हो जाएगा. फिर जब गाना इतना चला और फिर एक लड़की बांग्लादेश में, एक 8 साल की लड़की, उसने इश्कम पे हम पे तेरे नैन शराबी हो बिल्ल तेरी आँखियाँ, उसने जो डांस किया वो इतना वायरल हुआ डांस और साथ में गाना पहुँच गया 200 मिलियन पे और मेरा इंस्टाग्राम 1 मिलियन से सीधा पहुँच गया 5 मिलियन पे. तो एक गाने की, एक फिल्म की ताकत इतनी होती है जब ऑडियंस पीछे आ जाए. भैया 5 मिलियन तो रील बनी है अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे इश्कम की. आई एम रियली ग्लैड और अब बैक टू बैक गाने तैयार है भैया मार्केट के लिए, आप लोगों के लिए. इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बात की आपने तो 1 मिलियन से 5 मिलियन तक फॉलोअर्स बढ़ गए जी. इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया कितना घुला होता है, कितना अंदर तक जाता है प्रमोशंस के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को? देखिए भैया, आजकल दो तरह के इंस्टाग्राम है. एक वो इंस्टाग्राम है कि हर आदमी बोलता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ. उनके भी 4-4, 5-5 मिलियन होते हैं, 6-6 मिलियन होते हैं, लेकिन जब वो बाहर सड़क पर खड़े होते हैं तो उनको कोई जानता ही नहीं है. तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से फॉलोअर हैं जो 7 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन पर पहुँचे हुए हैं. और एक होते मेन आर्टिस्ट जिन्होंने टीवी से अपना लोहा मनवाया होता है, जिन्होंने जो ओरिजिनल सिंगर्स होते हैं, जिन्होंने अपने गाने हिट किए होते हैं. एक वो होते हैं जिसको जनता ओरिजिनली लाइक करती है. तो हम उनमें से हैं कि हमने टीवी शोज़ में आए हैं, गाने गाए हैं, अपने नाम कमाया और हमारी ओरिजिनल फ़ैन फॉलोइंग है, लोग हमें पसंद करते हैं. तो ये जो माध्यम है इंस्टाग्राम का, ये लोग जो हैं हमारे से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं हमारी सोशल नेटवर्किंग पे, एंड विच इज़ अमेजिंग. और वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर हम यहाँ पर हैं तो सीधा यहाँ पर आ जाते हैं. तो हम 1 से 5 पे आ गए, 5 से 15 पे या 100 पे भी जा सकते हैं क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत कम है. सिर्फ 1.5 बिलियन लोग हैं, ज़्यादा नहीं है. 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, ये तो कुछ भी नहीं है भैया. तो धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं नया कल्चर. आपने कहा था और हमने ये कहीं से सुना भी कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना जी अच्छा लगता है. So, आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग या डिफिकल्ट हो जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में? यार देखिए, मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक है. जब मैं अपने 11th 12th में था दिल्ली में, तो मैं फॉरनर पटा के उनको उन्हीं की लैंग्वेज में लाल किला, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद वहाँ घुमाता था उनको. बिकॉज मैं यंग भी था और मुझे शौक भी था, तो वहाँ से मुझे लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा प्यार इश्क मिला. फिर मैं ईरान भी रहा हूँ, तो वहाँ से मैं पर्शियन सीखा, फिर मिडिल ईस्ट से अरबिक सीखा. तो वो जब मैंने लैंग्वेजेस, वर्बल लैंग्वेज को गाने से कोलैबोरेट किया तो वो चल गई. और हमारा इंडियन कल्चर क्या है कि वो म्यूज़िक को वेलकम करता है. हमारे इंडियंस जो हैं वो दे आर म्यूज़िक लवर्स. हम लोगों को म्यूज़िक से प्यार है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो. तो अरबिक हिंदी मेरा गाना बुरे बुरे हम 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 शैतान, फिर तेरे इश्कों से पर्शियन था गिर होए तो आसमान दिए हीच रंजना दौरे नमी खाम बामा बेमुनी तेरे इश्कों से. फिर उसके बाद इश्क मदलबर दे देना वही. तो मिक्स कल्चर बहुत चला. फिर मैंने अभी साउथ के जो सुपरस्टार है मोहनलाल सर, मेरी खुशनसीबी है दीपक देव ने मुझे उस गाने के लिए चूज़ किया. मोहनलाल सर ने फिर ट्यून भी किया
इंस्टाग्राम पे लिखा भी कि वी वेलकम बॉलीवुड सिंगर अली कुली मिर्ज़ा इन साउथ इंडस्ट्री। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े सुपरस्टार ने मुझे चांस दिया। वो गाने का नाम है घूम 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 नजारे सारे घूम जा, बहुत सुपर हिट गाना ये हुआ है मॉन्स्टर मूवी में, अभी रिलीज़ हुई है, उनकी लास्ट फिल्म में मैंने गाया। तो आई फील दैट लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड आई बिलीव इन दैट। किसी के साथ अब बात करते हैं बिग बॉस की। ओफ़ बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस जी बोलिए। इस सीज़न का कितना, इस सीज़न कितना फॉलो कर रहे हो आप? आपके सीज़न में आप काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहे थे, काफ़ी हिट थे जी। इस सीज़न की बात करें तो आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं, कितनी कमियां देख रहे हैं? यार देखिए, सच्चाई तो ये है कि पहले हम सिंगर थे, एक्टर थे, लेकिन मेरे चेहरे को पब्लिक तक लाने वाला सिर्फ एक ही शो था, बिग बॉस है ना। थैंक्स एंड ऑल, थैंक्स कलर्स, थैंक्स सलमान सर, और थैंक्स टू माई सेल्फ कि मैंने जो है बहुत ख़तरनाक परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से अब तक 10 साल गुजर गए हैं, 10-12 साल, और अब तक लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुछ सदस्य ऐसे घर में आ जाते हैं, उनको लगता है कि होटल है, पिकनिक है, जिसकी वजह से वो भूल जाते हैं कि भैया ये एक शो है, एक सेट है, इसको आप प्रॉपर तरीके से चलो खेलो। और इस बार तो बेचारे बिग बॉस एंटरमॉल की टीम खुद सामने से उनको बता बता के खेल रही है कि भैया ऐसे करो, वैसे करो, पुश करो, पुश करा है उनको, अब जाके चलने शुरू हुए हैं। और एक दो ही कंटेस्टेंट ऐसे हैं, दो तीन जो समझदार हैं, जैसे साजिद सर को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, आई लव हिज यू नो सेंसिबिलिटी, और जिस तरह वो लोगों को समझाते हैं, और उनका आईक्यू लेवल इतना ऊपर है कि बाकी के सबके बहुत नीचे हैं, तो उनको समझाने में, जैसे एक होता है ना एक प्रोफेसर और एक होता है 12वीं कक्षा का या 10वीं कक्षा का छात्र, तो पूरा एक वो बना हुआ है। बट मेरे हिसाब से अब चंद दिनों से चलना शुरू हुआ है, जब पंप मारा सलमान सर ने कि करो भाई कुछ करो, यू नो नॉमिनेशन को थोड़ा बंद किया है इसीलिए कि भैया थोड़ा बहुत करेंगे तो जाएगा, तो अब उठना शुरू हुआ है ना। विश देम ऑल द बेस्ट यार, हमें भी एंटरटेन करो, ये ना हमारा एक घंटा वेस्ट हो जाए। बिल्कुल, हर सीज़न में कुछ ना कुछ अलग लाने की सोचते हैं बिग बॉस या कलश वाले हो। इस सीज़न की बात कर ले, चाहे बिग बॉस एंथम हो या बिग बॉस का खुद गेम, एंथम की बात मत करना भाई एंथम इतना वाहियात, पता नहीं यार इतने सस्ते सिंगर कहाँ से, बिग बॉस के वासी प्रोडक्शन वाले से गवा दिया यार तुम लोगों ने यार, हैं तुम्हारे पास में इतने बड़े बड़े सिंगर्स अपने पैदा किए हुए बिग बॉस के, हमें बुलाते हम गाते तुम लोगों के लिए, मतलब बजट भी पैसे भी नहीं देते हम आपके लिए गाते यार, ये क्या हाँ नो ने खासी, अबे भाई किससे गवाए, कौन है ये सिंगर, मुझे लेके आओ जरा मेरे पास यार। एंथम बना दी बिग बॉस की, एंथम मुझे बोलते मैं फ्री में बना के देता यार, क्या एंथम बनाइए, कान में से खून निकलता है सुबह सुबह। हालांकि शो इतना बढ़िया है, आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, लेकिन खर्चा तो करो कुछ यार। बिग बॉस का खुद गेम खेलना बहुत बढ़िया किया उन्होंने, जब उनको लगा कि जहाज डूब रहा है और ये कुछ निकम्मे कुछ करेंगे नहीं, तो वो बेचारे खुद सामने से आए, एंडामोल वाले सामने से आए, उन्होंने उठाया है पूरा शो को उठाया है, और फिर सलमान सर ने मारा है पुश, तो अब जाके चलाए, लेकिन तुमने मेरी दुखती रख छेड़ दी एंथम, सुबह उठती है एंथम, मैं एंथम को फॉरवर्ड करता हूँ, मैं आगे कर यार, खून निकल रहा है इसमें से। आप किस कंटेस्टेंट को एकदम परख के देखते हो कि ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है? स्टैंड की बात कर ले, उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बाहर अच्छी, आपको उनका गेम किस तरह का लगा? बिग बॉस से पहले क्या आप स्टैंड को जानते थे? मैं हाँ बिल्कुल जानता था। हाँ, कौन सा गाना सुना था उनका? मैं बस्ती का हस्ती, बस्ती का हस्ती सुना था ना, तो बस्ती का हस्ती के बाद जब वो अब बिग बॉस के अंदर आए तो अब पूरा इंडिया उनको जानता है, क्योंकि उन्होंने अपने गानों के साथ साथ अपनी एक पर्सनालिटी भी दिखाई है, एंड ही इज़ डूइंग अमेजिंग, और बहुत ही कमाल कंटेस्टेंट है। इसी तरह से साजिद भाई कमाल कंटेस्टेंट, शिव बहुत अच्छा है। तो ये जो मंडली मंडली बोलते हैं, ये एक्चुअली बहुत ही रियल खेल रहे हैं सारे के सारे, और साथ में हैं, मिल के कर रहे हैं, तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। एंड अब जाके ये थोड़ा, क्योंकि बेचारे स्टैंड को भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को जाना है, मेरे को घर जाना है, मुझे याद आ रही है, मेरे को जाना है, इधर मर जाएगा इधर घुट जाएगा। बिग बॉस, बिग बॉस का घर आसान थोड़ा ही भाई, 4.5 महीने निकाले मैंने, और हम तो ऐसा खेलेंगे ऐसा, अगर हम मुझ जैसा कंटेस्टेंट होता तो ये लोग तो दीवारों पर चढ़ चढ़ के बाहर भागते, हमने तो ऐसे ऐसे पोक किया लोग बाहर ही हो गए बिग बॉस के घर से। तो ये तो बेचारे बहुत शरीफ और इज्जत वाले कंटेस्टेंट्स हैं, और भैया जनता को चाहिए एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेनमेंट दो। अब जैसे अर्चना को लगता है कि मतलब वो बिग बॉस की माँ है, मतलब बिग बॉस से बिग बॉस के बारे में बोलना है, विच इज़ गुड, वो शुरू में बहुत अच्छा कर रही थी, अब भी कर रही है, लेकिन कभी कभी आदमी कैरिड अवे हो जाता है, तो बीच बीच में उनको बताना पड़ता है कि भैया कैरिड अवे नहीं, शो है इसको ज़रा सही से चलाओ, तो विच इज़ आई थिंक विच इज़ गुड, एंड धीरे धीरे करके भी ये समझ रहे हैं और शो लाइन पर आ गया है। मेजोरिटी
शिव को बोलती है कि वो मास्टर माइंड है, अच्छा खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन? वो बिग बॉस के विनर शिव मास्टर माइंड नहीं है, शिव बहुत दिल से खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, इज डूइंग ग्रेट, बट एंड ऑफ द डे जो बिग बॉस के बाद जो गेम को चला रहे हैं वो शाहिद भाई, वो बहुत प्यार से खेल रहे हैं। इनको भी कंटेस्टेंट को भी नहीं पता किसी को, कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसको आप पसंद नहीं करते उसका? यार मैं खुद एक कंटेस्टेंट था, मुझे किसी ने पसंद नहीं किया था मेरे सीजन में, तो मैं नहीं बोलूँगा किसी को पसंद, मैं सबको पसंद करता हूँ। हाँ, बिग बॉस के घर में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, जो है वहीं मिट्टी डाल के आ जाना, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, एंड बस जनता को प्लीज़ एंटरटेन करो, बिकॉज जनता अपना टाइम दे रही है, तो उनके टाइम की वैल्यू रखो यार। अंकित हाल ही में इवेक्ट हुए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी कुछ उनके बारे में बोला गया था यार। देखो, अंकित बिग बॉस का एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि पानी पे भी सो सकता है, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी, बाथरूम में वो सोआ, बेड पे वो सोआ, काउच पे वो सोआ, घास पे वो सोआ, वो इतना सोआ, सो के उसने 10 हफ्ते निकाल दिए, 8-9-10 हफ्ते भाई। और प्रियंका कंधे पे भी सो जाता, तो प्रियंका की वजह से टीम ने वो किया, तो मैं समझता हूँ अंकित ने, अंकित को वो था ना किस्मत वाला, लहरों से वो निकल गया, लेकिन कुछ किया नहीं उसने बेचारे ने, करना चाहिए था, बिल्कुल इसी के साथ वेस्ट ऑफ टाइम था अंकित, बिग बॉस की कैलकुलेशन में किया ही नहीं बेचारे ने। 24/7 में कास्ट की बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है, काफ़ी अलग अलग ऑनलाइन 24/7 जो वेब सीरीज है, हाँ जी, तो उसके बारे में बताइए उन कास्ट के साथ आप। यार देखिए, मैं अभिमन्यु सर मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं, और बाकी और भी बहुत सारी कास्ट है, और हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, और गोवा जा रहे हैं अगले हफ्ते शूटिंग में, आप प्लीज़ देखिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। इसी के साथ काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एट द एंड दर्शकों को, आपके चाहने वालों को कुछ बोलना चाहोगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के? देखिए, मैं दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो 2023 है ये आपका साल है, और गोल बना दीजिए, और मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है ग्राम मुरादपुरा, मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूँ, और आने के बाद मैं मैनहट्टन से लेके 72 कंट्रीज़ में मैंने कॉन्सर्ट्स किए, तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन फोकस था, गोल पे था, और इंडिया के सबसे बड़े शोज़ किए, तो आप भी प्लीज़ जो भी आपका गोल है उस पर लगे रहिए, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए, और 2023 आपका साल हो, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और मेरे प्रोजेक्ट्स प्लीज़ देखिए, इंस्पेक्टर अविनाश रदी बुड्ढा के साथ आ रही है 24/7, ये आ रही है, बाकी मेरे गाने आ रहे हैं, और एक दो और बड़ी फिल्में हैं जो कि मैं आपको जब होगा उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल तो आप लोगों को बुला के सामने से बता दूंगा। टिल देन मेरी तरफ से, पूरी बॉलीवुड की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, जय हिंद आप लोगों को, जय बॉलीवुड, और कंग्रेचुलेशन RRR गाने के लिए, lot of love to all of you, thank you very much, Ali Kuli Mirza checking out, hasta la vista. Ali bhai, ji bhai, ek minute ke liye aao, aaye sabke chahiye mandir ho, nahi nahi aao, Ali bhai, Ali bhai, andar hai, andar hai, bhai yahan pe, 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 bhai कसीम करा ना भाई, सब गुरु बाबू भी आ गया।